हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम, जो कि आपकी क्लास 8 की साइंस बुक से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे चैप्टर के नाम में देख सकते हैं, एक है वर्ड कंबशन और दूसरा वर्ड है फ्लेम, ठीक है। तो कंबशन का अगर मैं एक बहुत ही इजी टर्म्स में, बोलचाल की भाषा में मतलब बताऊं तो किसी भी चीज़ के जलने की प्रोसेस को कहते हैं कंबशन। और इस प्रोसेस में क्या रिलीज़ होता है? हीट एनर्जी रिलीज़ हो सकती है, लाइट एनर्जी रिलीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये कंबशन की प्रोसेस है, किसी भी चीज़ को जलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं कंबशन, ठीक है। और फ्लेम, फ्लेम आप सबने देखा होगा, जैसे कि हम कैंडल जलाते हैं तो उसमें एक फ्लेम अराइज होती है, ठीक है। और जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्लेम के साथ जलती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है फ्लेम के साथ नहीं जलती हैं। जैसे कोयला है, जब वो जलता है तो उस पर कोई भी फ्लेम नहीं निकलती है, ठीक है। और जैसे आप घरों में गैस जलाते हैं तो उसमें भी ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, ठीक है। तो फ्लेम के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में डिटेल में, कि फ्लेम कितने टाइप की होती है, फ्लेम में जो है एनर्जी जो रिलीज़ होती है उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर को कंबशन से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इफ़ वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पजेज एट होम इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जो है अपने घरों में बहुत सारे फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, ठीक है। हम अपने घरों में हर काम को करने के लिए बहुत सारे फ्यूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जो है गैस यूज़ करते हैं, एलपीजी सिलेंडर है, उस पर ही आपके घर में खाना बनता है, ठीक है। तो हम एलपीजी को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग ऑफ फूड। वैसे ही इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरीज चलती है, तो उन मशीन को चलाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो कई बार हम वहाँ पे भी एलपीजी यूज़ करते हैं फॉर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कई बार हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ फ्यूल। कई बार हम कोयले को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ फ्यूल। तो घरों में भी हम कई बार जैसे एलपीजी पे खाना बनाते हैं, कई बार आपने गांव में देखा होगा लकड़ी पे खाना बनता है तो लकड़ी एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है। फिर कई बार कोयले पे भी कोई खाना बनाता है तो कोयला एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है। तो फ्यूल मतलब वो चीज़ जो कि किसी भी चीज़ में ईंधन की तरह यूज़ हो, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको हम कहते हैं फ्यूल। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम्स? तो हम घरों में कौन से फ्यूल यूज़ करते हैं? जनरली हम एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को जैसे कि इंडक्शन है और डिफरेंट टाइप ऑफ हीटर्स है, और हम जो है कुकिंग के लिए जो यूज़ करते हैं माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, कन्वेक्शन यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो घरों में हम इस तरह के फ्यूल्स यूज़ करते हैं। नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड और इंडस्ट्री में जो है फ्यूल्स कौन से यूज़ होते हैं? जनरली ट्रेड और इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, फिर कोयले को यूज़ करते हैं, फिर स्टीम्स को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मेजर टाइप ऑफ फ्यूल्स हैं जो कि हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। और हम नेचुरल गैस, आजकल जो है एलपीजी और नेचुरल गैस के ऊपर ज़्यादा फोकस है, बिकॉज दे आर क्लीन फ्यूल्स, बहुत कम पोल्यूशन करते हैं। वॉट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? ऑटोमोबाइल्स को जो चलाने के लिए कौन से फ्यूल्स यूज़ करते हैं हम? जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये फ्यूल्स जो है आप ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कौन से फ्यूल हो गए? ये फॉसिल फ्यूल्स, जो कि आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस नेचुरल गैस एट्सेट्रा। तो ये सारे फ्यूल्स जो हैं कॉमन फ्यूल्स जो हैं जो हम घरों में और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। जैसे आपने देखा होगा कि कैंडल कैसे जलती है, जब जलती है तो येलो कलर की फ्लेम आती है ना। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? कोल और कैंडल दोनों ही जलती है, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि कोल जो है जब वो जलता है तो उससे कोई फ्लेम नहीं निकलती, हीट एनर्जी निकलती है लेकिन कोई फ्लेम नहीं निकलती, कोई लाइट बहुत ज़्यादा नहीं आती। लेकिन जो कैंडल जलता है वो जब जलती है तो उससे एक फ्लेम निकलती है जिससे कि काफ़ी लाइट प्रोड्यूस होती है। हाँ, वो उतनी एनर्जी नहीं जनरेट करता, उतना अमाउंट ऑफ हीट नहीं जनरेट करता जितना कि कोल करता है जलने पर, ठीक है।
वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल? मे बी यू आर एबल टू गेस राइट. कैंडल बर्न विद अ फ्लेम, वेयर एज कोल डज नॉट. ओके, सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदआउट फ्लेम. और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि फ्लेम के बिना ही जलते हैं, जैसे चारकोल. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप ऑफ फ्लेम्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो ये जलने कंबशन के समय में कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे कि कोई भी चीज़ जलने लगती, क्या वो प्रोसेस है जिससे कि कंबशन जो है एकदम से इनिशिएट हो जाता है. ठीक है, और फ्लेम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कितने तरह की फ्लेम्स होती हैं और वो कैसे बनती हैं और उनका क्या मतलब होता है. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है वो है वॉट इज कंबशन. ठीक है, कंबशन क्या होता है. ठीक है, रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास 7th. आप याद करिए कि आपने मैग्नीशियम का रिबन जो है जलाया था क्लास 7th में. ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट, तो उसमें मैग्नीशियम का रिबन जब जलता है तो वो जो है कुछ धुआं निकालता है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि ये मैग्नीशियम जल रहा है, तो इससे एक बहुत ही वाइट कलर की शाइनी सी फ्लेम निकल रही है. ओके, और मैग्नीशियम जो है वो नीचे बर्न होके डिपॉजिट हो जा रहा है. ठीक है, वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. तो हमने पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के दौरान मैग्नीशियम को जलाने से, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से बहुत सारी हीट निकलती है और लाइट भी निकलती है. ठीक है, वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल. और सेम इसी तरीके से हम एक चारकोल, जो चारकोल होता है वो कोयले जैसा ही होता है, बस वो लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जिसको कि हमने पूरी तरीके से जलाया नहीं होता है. ठीक है, तो ये चारकोल है. तो अगर हम चारकोल को जलाएं, जैसे हमने अभी मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो क्या होगा, होल्ड ए पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग. एक चिमटे से पकड़ के एक चारकोल के टुकड़े को आप इसी तरीके से जलाइए. एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और ए बंसन बर्नर. What do you observe? यानी आप जो है इसको जब जलाएंगे और बंसन बर्नर फ्लेम के सामने लेके आएंगे तो आप क्या देखेंगे, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन होगी. ठीक है, We find that charcoal burns in air. We know that coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. तो जैसे कि हमको पता है कि चारकोल भी जैसे कोयला जलता है वैसे ही जलता है. ठीक है, लेकिन इसमें भी फ्लेम नहीं निकलती है. जैसे कोयले में फ्लेम नहीं निकलती है, वैसे इसमें भी फ्लेम नहीं निकलती है. तो इस प्रोसेस से हमने डिफाइन किया कि व्हाट इज रियली अ प्रोसेस ऑफ कंबशन. कंबशन की प्रोसेस क्या होती है. ठीक है, ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. तो वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कि कोई भी चीज जलती है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस हीट, हीट एनर्जी जो है निकलती है उसके जलने से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन. अ केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. द सब्सटेंस दैट अंडरगोस कंबशन इज इट्स सेड टू बी कंबस्टिबल. तो जो सब्सटेंस कंबशन की प्रोसेस कर सकता है या करता है उसको हम बोलते हैं ये कंबस्टिबल है, ये सब्सटेंस कंबस्टिबल है, यानी ये जल सकता है, जलाने लायक है. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. और उसी को हम फ्यूल भी कहते हैं दूसरे टर्म्स में. ठीक है, द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो ये जो फ्यूल है या तो ये सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है. जैसे सॉलिड में हम देखते हैं कोल है, लिक्विड में हम देख रहे हैं डीजल, पेट्रोल, केरोसिन है, वो भी फ्यूल है, और हम गैसेस में देख रहे हैं एलपीजी है, नेचुरल गैस है. ओके, समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज ए फ्लेम और एज अ ग्लो. और कुछ टाइम, हमेशा तो नहीं ऐसा होता, जैसे कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसमें क्या हीट एनर्जी तो निकलती है लेकिन फ्लेम नहीं निकलता, तो लाइट नहीं निकलती है. हाँ, तो वैसे ही इसीलिए ज़्यादातर टाइम ऐसा लिखा है कि जब कोई भी कंबशन की प्रोसेस होती है तो उसमें या तो फ्लेम निकलती है, जैसे कि हम मोमबत्ती जलाते हैं, और या कोयला जब जलाते हैं तो फ्लेम तो नहीं निकलता लेकिन उसमें एक आग उसकी दिखती है, ग्लो दिखता है.
ठीक है, तो उसको हम ये एक उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि कंबशन की, कि उसमें या तो फ्लेम निकलेगा या तो उसमें एक ऐसा ग्लो निकलेगा। ठीक है, इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो मैग्नीशियम जला, ठीक है, वो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस की, इसलिए हम उसको कहते हैं कंबस्टिबल। चारकोल ने भी हीट और ग्लो जो है वो था प्रेजेंट जलने पे, तो इसलिए हम चारकोल भी को भी कह रहे हैं कि वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ठीक है, आप बूझो क्या कह रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बूझो का क्या क्वेश्चन है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। वी वर टोल्ड डैट फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। बूझे के दिमाग में जो है ये फ्यूल वर्ड जो है गोल गोल घूम रहा है कि हमने फ्यूल वर्ड और कहाँ पढ़ा है। हमने तो ये भी पढ़ा है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एज ए फ्यूल यूज़ होता है। जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ना कि डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, कोयला, ये सारे कुछ एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है, कंबशन हो रहा है, तो इसलिए इनको हम फ्यूल की तरह वर्ड दे रहे हैं कि ये फ्यूल है। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी के लिए जो हम खाना खाते हैं वो फ्यूल है, तो वो कैसे? अब पूछो एकदम परेशान हो चुका है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हम यहाँ बाहर रिएक्शन देख रहे हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो खाना जो है केमिकल रिएक्शन करता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ जल रही है, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, केमिकली अगर हम उसको देखें तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जब खाना हम खाते हैं तो डिफरेंट इंजाइम्स, डिफरेंट कैटलिस्ट आते हैं और हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं। ठीक है, और उस ब्रेक करने के दौरान बहुत सारी एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि हमारी बॉडी जो है कंजर्व करती है बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए, वाइटल प्रोसेसेस जैसे कि एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, इन सबको करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना। तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है, तो जो भी एनर्जी है उसको हम एटीपी में हमारी बॉडी कन्वर्ट करके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए फिर यूज़ करती है। तो ये एनर्जी आती कहाँ से, सोर्स क्या है? वो है हमारा फूड। तो यानी जो पूजो के दिमाग में जो फ्यूल वर्ड चल रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा खाना है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है, क्योंकि हम उससे एनर्जी डिराइव करते हैं सेम इसी प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से, कि हम जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे खाने का ब्रेकडाउन होता है। ओके, सो पहेली क्या कह रही है? पहेली जो है उसको आंसर कह रही है, राइटली सो, इन अवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस, वी लर्न डैट इन क्लास 7। तो पहेली उसको याद दिला रही है कि हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा फूड जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के उससे हमें ग्लूकोज और बहुत सारी एनर्जी मिलती है, और हीट के फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, हमें गर्मियों में गर्मी ना लगे, हमें सर्दियों में सर्दी ना लगे। तो फूड जो है हमारे को एज अ फ्यूल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो इससे आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। होप सो कि आपको अभी तक का जो है जो तो होप सो आपको अभी तक इससे आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। होप कि आपको अभी तक का जो भी मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।